रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीटें होती हैं। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती थी। कई चुनावों के बाद ऐसा हो रहा है कि इन दो सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह भी साफ है। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि यहाँ से वरुण गांधी को निर्दल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है और सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई, जबकि अमेठी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2014 में अमेठी और रायबरेली सीटें मिली थी। 2009 में कांग्रेस को कानपुर, महाराजगंज, झांसी, बाराबंकी सहित 21 सीटें मिली थी। सहारनपुर सीट 1984 के बाद अभी तक एक बार भी कांग्रेस के खाते में नहीं रही है। दरअसल राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं। वह वायनाड से लोकसभा सांसद है। ऐसे में इस बात पर संशय गहरा है कि यहां से कौन उम्मीदवार बनेगा। राहुल फिर से इस सीट पर आएंगे या कोई अन्य आ सकता है। इसी तरह रायबरेली की सीट पर बीते कई चुनावों से सोनिया गांधी ही उम्मीदवार होती थी। इस बार वह राज्यसभा के लिए चुन ली गई है। ऐसे में रायबरेली की सीट भी खाली हो गई है। अब इन दोनों सीटों में संशय बड़ा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इन बातों के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया की सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। साथ ही क्या राहुल मां की सीट पर लौट सकते हैं? ऐसे में कई थ्योरी बन रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में इस सीट पर प्रियंका के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। उनके मैदान में नहीं उतरने पर पार्टी किसी ब्राह्मण अथवा दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है। इसी तरह अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछड़े वर्ग के युवा चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।